नमस्कार दोस्तों, अष्टविनायक यात्रा भाग दो में आपका स्वागत है। भाग एक में हमने देखा पाली स्थित बल्लाळेश्वर गणेश जी का दर्शन, अब देखिए आगे। ओके दोस्तों, सरप्राइज विजिट। पहले गणपति का दर्शन होने के बाद देवा हमें मिला है। यहाँ पे देवा और वहाँ पे बाप्पा, तो दोनों की भेंट यहाँ पे हो चुकी है। अपने फैमिली के साथ वो गणपति बाप्पा के दर्शन के लिए जा रहे हैं आगे। गणपति बाप्पा मोरिया। दोस्तों, बल्लाळेश्वर से जब हम लोग वरद विनायक के लिए निकलते हैं तो हमें इमेजिका करके जो अम्यूजमेंट पार्क है वो दिखाई देता है। आप देख सकते हो कितना बड़ा अम्यूजमेंट पार्क है। यहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, वहाँ तक ये अम्यूजमेंट पार्क है। इस अम्यूजमेंट पार्क का नाम है इमेजिका। तो ये है पूना ओल्ड रोड। यहाँ से आते वक्त 1 किलोमीटर जो है खोपोली से पहले आपको एक लेफ्ट टर्न दिखाई देगा, और ये जो लेफ्ट टर्न है वो जाता है वरद विनायक महार अष्ट विनायक में से एक गणपति के मंदिर के लिए। तो दोस्तों चलिए, जानबूझ के मैंने ये लोकेशन आपको दिखाया है क्योंकि कच्ची सड़क होने के वजह से बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। ओके दोस्तों, तो अष्टविनायक के दूसरे गणपति जिसे वरद विनायक के नाम से जाना जाता है, महड़ के उसी स्वयंभू गणेश जी के मंदिर में हम लोग पहुँच चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, दर्शन लेते हैं बाप्पा का जिसे वरद विनायक के नाम से जाना जाता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमने स्वामिनी पास की है और जस्ट इस लोकेशन से मेन एंट्री गेट जहाँ से हम अभी अंदर जाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बाप्पा के दर्शन के लिए अंदर चलते हैं। दोस्तों फिर से हम आज बहुत लकी है कि बाप्पा का दर्शन विदाउट रश विदाउट लाइन के हमें हो रहा है। आपको दिखा देता हूँ जस्ट बैक साइड। ओके दोस्तों, तो बाप्पा के दर्शन यहाँ पे हमें हो चुके हैं। आई थिंक अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे कैमरा अभी बंद कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो फाइनली 35 किलोमीटर्स यानी 1 घंटे का डिस्टेंस बाइक राइड कंप्लीट करके हम पाली से महड़ पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे इच्छा पूर्ति गणेश जी का यानी वरद विनायक जी का दर्शन करके हम लोग अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए यानी तीसरे अष्टविनायक में से तीसरे गणपति के मंदिर के लिए निकल रहे हैं। दोस्तों, तो इच्छापूर्ति गणेश मंदिर वरद विनायक जी का दर्शन यहाँ पे पूरा हो चुका है। दोस्तों मेरे पीछे आप मंदिर देख सकते हो, मंदिर का कलश यहाँ से हम आप इजीली देख सकते हैं। मंदिर के बैक साइड पे दोस्तों देख सकते हैं एक बड़ा सा तालाब है और बहुत ही सुंदर इसकी रचना की गई है। मंदिर के बाहर ही अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी सी पत्थर की कमान बनाई गई है, वो भी बड़ी लुभावनी है।
ओके दोस्तों, तो देख सकते हैं श्री वरद विनायक अष्ट विनायक मंदिर का दर्शन हमें यहाँ पे हो रहा है। ओके दोस्तों, तो मंदिर के ये सामने जो है ये मंदिर है, और मंदिर के जस्ट नजदीक में ही यहाँ पे धर्मशाला है और यहाँ पे भक्त निवास है। किसी को भी अगर आप यहाँ पे आएंगे तो दत्त मंदिर पूछ लीजिए, दत्त मंदिर के जस्ट बगल में ही भक्त निवास की सुविधा आप उपलब्ध है। यह दत्त मंदिर जो है दोपहर को 12 से 2 के बीच में दर्शन के लिए बंद रहता है। जस्ट दोस्तों, जानबूझ के मैं यहाँ पे ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ताकि आपको यहाँ का लैंडलाइन नंबर मिल जाए, 02192-266-912। यहाँ पे अगर आपको आना है तो आप बुकिंग के लिए यहाँ पे फोन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो फाइनली यहाँ से यानी वरद विनायक से महर से हम लोग निकल पड़े दोस्तों। यहाँ पे दर्शन करने में हमें ज़्यादा भीड़ नहीं लगी, हार्डली 5-10 मिनट में ही हमारा दर्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और स्वामी जी इज़ रेडी फॉर नेक्स्ट जर्नी। तो हम अभी निकल रहे हैं थेऊर के लिए। 105 किलोमीटर्स की जर्नी होगी और कंप्लीट करने के लिए कम से कम 3 घंटे का वक्त हमें यहाँ पे लगने वाला है।